हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम जैसे कि आपको पता है कि लक्ष्मीकांत की सीरीज को स्टार्ट कर दिया है, तो ये सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर का टॉपिक है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। होता क्या है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के हिसाब से डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है स्टेट पॉलिसी का, वो एक नोवेल फीचर है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो दे आर एन्यूमरेटेड इन पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ में है कॉन्स्टिट्यूशन के। इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं तीन ब्रॉड कैटेगरीज में। फॉर एग्जांपल, जैसे सोशलिस्टिक है, गांधियन है एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल है। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये क्यों है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड व्हाट इज द रोल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? इससे क्या होता है, जो आइडियल होता है एक सोशल और एक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के, तो उसको ही प्रमोट करते हैं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं, वो सीक करते हैं एस्टेब्लिश करने के लिए एक स्टेट जो कि वेलफेयर स्टेट है। ठीक है, हावेवर लाइक फंडामेंटल राइट्स की तरह जो कि जस्टिसेबल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो नॉन जस्टिसेबल है नेचर में। दैट इज, जब ये इनका खनन होता है तो वो एनफोर्सेबल नहीं होते कोर्ट्स में उनके वायलेशन के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, ये फंडामेंटल्स है किसमें, गवर्नेंस पे कंट्री की, एंड इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। तो जो प्रिंसिपल्स है वो फंडामेंटल होते हैं गवर्नेंस में हमारी कंट्री के। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब भी कोई स्टेट लॉज बनाता है तो उसको ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उनको अप्लाई करना चाहिए, राइट? तो ये इम्पोज करते हैं मोर ऑब्लिगेशंस किस पे, स्टेट अथॉरिटीज पे, उनकी एप्लीकेशंस के लिए। लेकिन रियल फोर्स में अगर हम बात करें सेंक्शंस की, उनके पीछे वो पॉलिटिकल है, यानी कि पब्लिक ओपिनियन है। ठीक है, मिनेरवा मिल्स केस की बात करें, 1982 की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो पाया गया है, जो फाउंडेड है, वो किस पे, बेडरॉक पे। बेडरॉक किसका, बैलेंस का, किसके बीच में, फंडामेंटल राइट्स के और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। तो तभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतने अच्छे से लिखा गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसने प्रोवाइड नहीं किया किसके लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए सिटीजन्स के। ये ऐड हुए थे किसमें, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी। 1975 में एक इमरजेंसी आई थी, तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट हुआ था वो 42nd अमेंडमेंट था 1976 का। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन हुआ था स्वरण सिंह कमिटी के द्वारा, तब जाके ये अमेंडमेंट हुआ था। 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2002 का, उसने एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर दिया था। अब ये जो पार्ट फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कंसिस्ट करता है केवल एक आर्टिकल, आर्टिकल 51A, वो स्पेसिफाइज करता है क्या, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज टू रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, टू प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। अगर हमको तो ये प्रमोट भी करता है स्पिरिट किसकी, कॉमन ब्रदरहुड की अमंगस्ट ऑल द पीपल। क्या, क्यों? क्योंकि प्रिजर्व करना है रिच हेरिटेज किसका, हमारा कॉम्पोजिट कल्चर का। फंडामेंटल ड्यूटी एक रिमाइंडर की तरह काम करती हैं सिटीजन्स के लिए, ये एंजॉय करेंगे अपनी राइट्स, दे हैव ऑल्सो बी टू बी क्वाइट कॉन्शियस ऑफ ड्यूटीज, ताकि जो लोग हैं वो अपनी राइट्स भी इंजॉय करें और उनके को जो उनकी जो कंट्री है, कंट्री के लिए अपनी ड्यूटीज भी वो निभाए, राइट? अपने और जो उनको ड्यूटीज निभानी है वो भी लोगों को, ताकि याद रहे देयर सोसाइटी एंड देयर फेलो सिटीजन्स। हमारी कुछ ड्यूटीज बनती है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे सिटीजन्स जो है फेलो सिटीजन्स उनके लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल की तरह ड्यूटीज आर ऑल्सो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। तो ये अगर कोई अपनी ड्यूटी नहीं निभाता तो वो जस्टिसेबल नहीं होना होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। सेक्युलर स्टेट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का स्टैंड फॉर अ सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर इसका मतलब होता है कि ये
अपहोल्ड नहीं कर सकता किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट। सेक्युलर का मतलब होता है कि किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता। फॉलोइंग प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के वो रिवील करते हैं कि इंडिया का जो स्टेट है, इंडियन स्टेट जो है वो सेक्युलर है। सेक्युलर जो वर्ड है वो एडिट हुआ था प्रीएम्बल में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 का, तब ये वर्ड ऐड हो गया था सेक्युलर। सेकंड क्या है, प्रीएम्बल ये सिक्योर करता है सारे सिटीजन्स के लिए इंडिया के लिबर्टी होना चाहिए बिलीफ का, फेथ का एंड वर्शिप का। फिर आता है सी पॉइंट। सी पॉइंट ये कहता है स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। स्टेट जो है उसको बिल्कुल भी, आर्टिकल 14 में ये मेंशन है कि यहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए बिफोर द लॉ एंड देयर शुड बी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, और स्टेट उसको डिनाई नहीं कर सकता। स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट उसके रिलीजन के ग्राउंड को लेके, आर्टिकल 15 में ये मेंशन है। इक्वालिटी होनी चाहिए अपॉर्चुनिटी सारे सिटीजन के लिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स, राइट। तो आर्टिकल 16 ये कहता है, आर्टिकल 25 कहता है कि जो पर्सन है वो इक्वली एंटाइटल्ड है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट्स टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। यानी कि जो भी इंडियन के सिटीजन है उन पे कोई बाउंडेशन नहीं है, वो अपनी मर्जी से अपनी राइट से किसी भी रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोफेस कर सकते हैं। हर जो रिलीजियस एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और कोई भी जो इसका सेक्शन है शेल हैव द राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर्स। तो जो रिलीजियस अफेयर्स होते हैं वो किसके पास राइट होती है रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की, ये होता है रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास या फिर किसी भी इसके सेक्शन के पास, रिलीजन के जो सेक्शंस होते हैं। कोई भी पर्सन है शेल बी compelled to pay any taxes for the promotion of particular religion। ये important नहीं होना चाहिए कि अगर हम किसी भी एक religion को promote कर रहे हैं तो ये forcefully आप force नहीं कर सकते लोगों को कोई आपको tax pay करना है। लोग अपनी इच्छा से अपनी will से अगर दे तो ठीक है, वरना ये बिल्कुल भी compulsory नहीं हो जाता है कि आपको बिल्कुल बिल्कुल tax देना है। कोई भी religious instruction जो है, no religious instruction shall be provided in any educational institution। कोई स्टेट अगर किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करता है तो उसमें रिलीजन से लेके कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जा सकते। आर्टिकल 28 कहता है एनी सेक्शन ऑफ द citizens shall have the right to conserve its distinct language, script or culture। सिटीजन जो है उनके पास से राइट होती है कि वो कंजर्व करे डिस्टिंक्ट लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को और कल्चर को, ठीक है। अपनी जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी के पास ये राइट है कि वो अपना एस्टेब्लिश कर सकती है, एडमिनिस्टर कर सकती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपनी चॉइस का। फॉर एग्जांपल जैसे मुस्लिम्स जो है, मुस्लिम्स में मदरसा एस्टेब्लिश होता है, राइट, मदरसा होता है। एंड जो बाकी जो रिलीजन है उनमें भी अपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं जहाँ पे उस पर्टिकुलर रिलीजन के रिगार्डिंग रिलेटेड एजुकेशन दी जाती है। स्टेट शैल एंडीवर टू सिक्योर फॉर ऑल द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। जितने भी सिटीजन है उनके लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए जिसके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो होती है सेक्युलरिज्म की वो बताती है कि एक कंप्लीट सेपरेशन होना चाहिए रिलीजन के बीच में, यानी कि चर्च के बीच में एंड स्टेट के बीच में, पॉलिटिक्स के बीच में। ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म की। ये इन एप्लीकेबल है इंडिया के सिचुएशन में जहाँ पे हमारी सोसाइटी मल्टी रिलीजियस है, बहुत सारे रिलीजन है इंडिया की सोसाइटी में। हेंस इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एम्बोडी करता है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट किसकी, सेक्युलरिज्म की। कैसे कि इक्वल रेस्पेक्ट देता है सारे रिलीजन को या प्रोटेक्ट करता है सारे रिलीजन्स को इक्वली। मोर ओवर इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एबॉलिश कर दिया था ओल्ड सिस्टम, किसका, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का। दैट इज के जो रिजर्वेशन था सीट्स का लेजिस्लेचर में रिलीजन के बेस पे,
उसको क्या कर दिया, एबोलिश कर दिया। हावेवर ये प्रोवाइड करता है किससे, टेम्पररी टेम्पररी रिजर्वेशन किसका, सीट्स का, शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ताकि उनका भी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो जाए उसमें पॉलिटिक्स में, राइट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अडोप्ट किया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को, अडोप्ट किया था एज अ बेसिस ऑफ इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए इलेक्शंस होते हैं और जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं उसमें एक वन पर्सन वन वोट के हिसाब से इलेक्शंस होते हैं। हर एक सिटीजन जो है वो जो 18 ईयर से कम का है उसको ये राइट नहीं है कि वो वोट दे सके। 18 ईयर से अबव जो लोग हैं वो उनके पास राइट होती है एक वोट देने की, और इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कास्ट का, रेस का, रिलीजन का, सेक्स का, लिटरेसी का, वेल्थ का एंड सोन का। बस मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो है 18 ईयर्स जो है 18 प्लस एज होनी चाहिए, बाकी कास्ट कुछ भी हो सकती है, रिलीजन कुछ भी हो सकता है, रेस कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये पहले जो वोटिंग की जो एज थी 21 ईयर्स थी, फिर ये रिड्यूस होके 18 हो गई 1988 में बाय द 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्स्टिट्यूशन मेकर से। वॉज अ बोल्ड एक्सपेरिमेंट एंड हाईली रिमार्केबल था इन द व्यू ऑफ वास्ट साइज ऑफ द कंट्री। कंट्री का साइज बहुत बड़ा था तो ऐसा लग रहा था कि ये जो एक्सपेरिमेंट है हमारे इंडिपेंडेंस डे के बाद जो गवर्नमेंट करने वाली है वो फेल होगी, बिकॉज इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा था और हाई पॉवर्टी थी, सोशल इनइक्वालिटी भी थी और इलिटरेसी भी थी, लोग जो है इलिटरेट बहुत ज़्यादा थे। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ने डेमोक्रेसी मेक्स डेमोक्रेसी ब्रॉड बेस्ड, डेमोक्रेसी को ब्रॉड बेस्ड बनाया और सेल्फ रेस्पेक्ट और प्रेस्टीज को भी एनहांस किया कॉमन लोगों की। ये अपहोल्ड्स करता है प्रिंसिपल किसका, इक्वालिटी का, कि जितने भी सिटीजन है वो सारे इक्वल है, दे आर इक्वल बिफोर दी लो, एंड इनेबल करता है माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके इंटरेस्ट, और ये ओपन करता है न्यू होप्स और विस्तार्स किसके लिए, वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी उनके लिए। फिर आता है सिंगल सिटीजनशिप, दो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इट इज अ फेडरल एंड एनविसेज करता है एक डुअल पॉलिटी, यानी कि यहाँ पे सेंटर एंड स्टेट में पावर डिवाइडेड है। इट प्रोवाइड्स फॉर ओनली अ सिंगल सिटीजनशिप, बट सिंगल सिटीजनशिप देता है दैट इज द इंडियन सिटीजनशिप। इन कंट्रीज लाइक यूएसए ऑन द अदर हैंड हर एक पर्सन जो है वो केवल सिटीजन नहीं है यूएसए का, बट ऑल्सो सिटीजन ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट टू विच ही बिलोंग्स। दस ही ऑब्स एलिजियंस टू बोथ एंड एंजॉयज डुअल सेट्स ऑफ राइट्स, वन कन्फर्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट एंड अनदर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो दो सेट्स होते हैं यहाँ पे राइट्स के, एक तो स्टेट की तरफ से और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से। इन इंडिया, इंडिया में सारे सिटीजन जो है इररेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट इन विच दे आर बोर्न और रिसाइड एंजॉय द सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स। हमारे पास सब जगह पॉलिटिकल राइट्स भी सेम है और सिविल राइट्स भी सेम है सिटीजनशिप की कंट्री के ऑल ओवर। यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं बनाते किसके बेस पे, सिटीजन के बीच में। डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर अ सिंगल सिटीजनशिप एंड यूनिफॉर्म राइट्स फॉर ऑल द पीपल, इंडिया हैज बीन विटनेसिंग द कम्युनल राइट्स बहुत हुई है, क्लास में भी कॉन्फ्लिक्ट रहा है इंडिया में, कास्ट के बीच में भी झगड़े रहे हैं, लिंग्विस्टिक क्लैशेस भी रहे हैं एंड एथनिक डिस्प्यूट्स भी रहे हैं। ये हमारा हिस्ट्री हमें बताती है। इसका मतलब है कि जो चेरिश्ड गोल थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के कि हमें एक यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड इंडियन का नेशन बनाना है वो फुल्ली रियलाइज्ड नहीं है। ऑलराइट, इंडिपेंडेंट बॉडीज देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस प्रोवाइड नहीं करता लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सेंट्रल एंड स्टेट, बट इट ऑल्सो एस्टेब्लिशेज सर्टेन इंडिपेंडेंट बॉडीज, दे आर एनविसेज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज द बल्क वर्क ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। दीज आर फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन,
जो इंश्योर करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, किसको, पार्लियामेंट पे, स्टेट लेजिस्लेचर्स, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी है, वो ऑडिट करता है अकाउंट्स सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के. ही एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स एंड कमेंट्स ऑन द लीगैलिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स. तो गवर्नमेंट के भी जो अकाउंट्स है वो ऑडिट होते हैं. यूपीएससी है जो कंडक्ट करती है एग्जामिनेशंस रिक्रूटमेंट के लिए ऑल इंडिया सर्विसेज पर एंड हायर सेंट्रल सर्विसेज के लिए, ताकि जो जो कैंडिडेट्स आते हैं वो एडवाइस कर सके ऑफिसर्स प्रेसिडेंट को डिसिप्लिनरी मैटर्स पे. स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है हर एक स्टेट में जो कंडक्ट करती है एग्जामिनेशन स्टेट सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट के लिए, जो गवर्नर को एडवाइस कर सके जो ऑफिसर्स आते हैं डिसिप्लिनरी मैटर्स में. कॉन्स्टिट्यूशन ये भी इंश्योर करता है कि इंडिपेंडेंस होनी चाहिए इन बॉडीज की बहुत सारे प्रोविजंस के थ्रू, जैसे सिक्योरिटी होनी चाहिए टेन्योर की, फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस होनी चाहिए, एक्सपेंसेस बीइंग चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. अगर कुछ एक्सपेंसेस हैं तो इंडिया का एक कंसोलिडेटेड फंड होना चाहिए जिससे फंड का एलोकेशंस होना चाहिए, राइट. फिर आता है इमरजेंसी प्रोविजंस. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन करता है इलैबोरेट इमरजेंसी प्रोविजंस जो इनेबल करता है प्रेसिडेंट को टू मीट एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इफेक्टिवली. अगर कोई सिचुएशन आ जाती है जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि प्रेसिडेंट के पास प्रोविजंस उसमें दिए गए हैं ताकि प्रेसिडेंट उसको मीट कर सके. रैशनैलिटी बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दीज प्रोविजन वो इस वजह से है ताकि सॉवरेंटी को सेफगार्ड कर सके, यूनिटी को सेफगार्ड कर सके, इंटीग्रिटी को सेफगार्ड कर सके और कंट्री की सिक्योरिटी पे कोई आंच ना आए. एंड जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया का और कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी यहाँ पे क्या कर सके, सेफगार्ड किया जा सके. कॉन्स्टिट्यूशन जो है एनविसेज करता है तीन टाइप किसकी, इमरजेंसीज की. नेमली पहली आती है नेशनल इमरजेंसी, जब यहाँ पे वॉर होता है या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन आता है या फिर आर्म्ड रिबेलियन आता है, तो उसमें आर्टिकल 352 गवर्नमेंट को इतनी इजाजत देता है कि नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सके. सेकेंड आता है स्टेट इमरजेंसी, जिसमें प्रेसिडेंट का रूल आ जाता है. ये ग्राउंड है फेलियर का ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स. अगर स्टेट में कोई ऐसी कंडीशन हो, एक ऐसी सिचुएशन आए जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, तो आर्टिकल 356 ये इजाजत देता है प्रेसिडेंट को कि यहाँ पे स्टेट की इमरजेंसी लग जाए टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ द सेंटर, आर्टिकल 365. फिर आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी. ये कब आती है, जब हम